हेलो दोस्तों, सरोज एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मोमोज कैसे बनाएं। दो डिजाइन से अपन बनाएंगे और फ्राई करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो फिर चलिए ये वीडियो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। मोमोज बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मैदा ली है। आप गेहूं का आटा भी ले सकते हो, लेकिन बारीक कण वाला लेना है आपको, लेकिन ज्यादा टेस्टी लगेंगे यहाँ पर अगर आप गेहूं के आटे की जगह मैदा लोगे तो। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, और इस आटे को अपन गूंथ लेंगे पानी डालकर। लेकिन बहुत कम अपन ऐड करेंगे क्योंकि मैदा बहुत बारीक होती है। अगर अपन एक साथ ही पानी ऐड कर देंगे तो ये है ना पतली हो जाएगी, और फिर वापस और आटा लगाना पड़ेगा ड्राई आटा। अगर ज्यादा पतली हो गई हो तो आपको ड्राई आटा लगा लेना है। अपन इसका आटा लगाएंगे थोड़ा सा टाइट। आटे में पानी डालकर मैंने मिक्स कर लिया है और आटा आपको ऐसे गूंथ लेना है। अभी ये इतना ज्यादा सॉफ्ट नरम नहीं है, तो इसे क्या करेंगे 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे फ्रिज में। 5 मिनट रेस्ट करने देंगे फ्रिज में। और यहाँ पर थोड़ा सा अपन पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए मैंने लहसुन लिया है, और एक लाल मिर्च ली है मैंने, और एक हरी मिर्च। और इन दोनों को अपन क्या है क्रश कर लेंगे। और हरी और लाल मिर्च का जो क्रश करके अपन कॉम्बिनेशन डालेंगे बड़ी ही टेस्टी लगेगी। आप चाहो मिक्सी में पीस सकते हो, लेकिन मैं इसे ऐसे ही क्रश कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने इसे क्रश कर लिया है। अब मैंने मिक्सी में न पीस के इसे क्रश क्यों किया है, ये जो हल्के हल्के बाइट आएंगे ना तो वो और ज्यादा टेस्ट बढ़ा देते हैं मोमोज का। और मिक्सी में इतना ज्यादा फूगे वो बिल्कुल बारीक हो जाते हैं, तो थोड़ी से भी बाइट नहीं आते हैं। और इसे मैंने पूरा क्रश कर लिया है मसाले को। पत्ता गोभी को अपन छोटी छोटी साइज में कट करेंगे। देखिए छोटी छोटी साइज में कैसे कट करना है वही तरीका मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। जितनी ज्यादा यहाँ पर छोटी छोटी लेयर होगी उतनी ही ज्यादा छोटी कट होगी। एक तो मैंने पत्ता गोभी भी बहुत ज्यादा छोटी ली है, और इसके बीच में से भी अपन कट करेंगे। तो ये देखिए और ज्यादा छोटी छोटी साइज में कट करेंगे। अब ये देखिए आगे से अपन हल्का हल्का ऐसे लेंगे, तो बिल्कुल छोटी छोटी साइज में अपनी ये गोभी कट होगी। तो आपको इसे बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेना है मोमोज के लिए। सारी पत्ता गोभी कट कर लेने के बाद इसमें थोड़ा सा ही मैं रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी, क्योंकि अपन ने पेस्ट भी बनाया है इसका। टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक, और जो ये अपन ने पेस्ट तैयार किया है वो इसमें ऐड करेंगे। आप काली मिर्च भी ऐड कर सकते हो और मिक्स कर लेंगे। आप चाहो इस मसाले का तड़का भी लगा सकते हो और ऐसे भी, लेकिन मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में बता रही हूँ कि जैसे अपन ठेले पे खाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं ये मोमोज का। अगर आपके पास मूंग की दाल हो तो उसे भिगोकर हल्का सा इसी मिर्ची के साथ थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे, तो बिल्कुल मार्केट जैसा और टेस्ट होगा। बस मैं यहाँ पर मूंग की दाल ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं, तो उसे भिगोकर मैंने ऐड नहीं किया है। बस ये सिंपल सा अपन मसाला इसका तैयार कर लेंगे। मैंने सारा मसाला मिक्स कर लिया है। ये मसाला तो अपन ने बना ही लिया है। और ये देखिए ये है मेरे पास पत्ता गोभी की सब्जी। अगर पत्ता गोभी की सब्जी हो तो आप वो भी ले सकते हो, या जो अपन ने ये किया है उसे हल्का सा तेल में फ्राई कर सकते हो, पका सकते हो, तो बिल्कुल ऐसे बन जाएगी। तो आप मोमोज में ये भी भर सकते हो और ये भी। एक मोमोज में आपको इसका भर के बताऊंगी और एक मोमोज इसका। मैंने यहाँ पर कटोरी में फ्रिज में रखने के लिए ये आटा रख दिया था, अब फ्रिज में से मैं निकाल रही हूँ 10 मिनट बाद में, और वापस से एक बार ऐसे गूंथेंगे। अब ये आटा देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट नरम हो चुका है फ्रिज में रखने से। तो आप फ्रिज में भी रख सकते हो या रूम टेम्परेचर पर भी आप रख सकते हो, और सर्दियों में तो वैसे ठंड रहती है, तो रूम टेम्परेचर पर भी अपन रख लेंगे। और इसे वापस से इसे ऐसे ही इकट्ठा करेंगे। वापस से थोड़ी सी ड्राई मैदा ले रही हूँ, और इसमें से एक छोटी छोटी ऐसी लोइयां तैयार करेंगे अपन। ऐसी लोइयां तोड़ लेनी है इसमें, ये ज्यादा ना मोटी है। अगर आप थोड़े बड़े में साइज के मोमोज बनाना चाहते हो तो थोड़ी बड़ी लोई ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर छोटी छोटी साइज के मोमोज बनाऊंगी, तो मैंने यहाँ पर छोटी छोटी लोई तैयार की है। और ऐसे इन्हें गोल मटोल कर लेंगे सारी लोइयों को, ऐसे दो साथ में लोई लेकर ऐसे भी साथ साथ में अपन गोल कर सकते हैं, तो जल्दी से ये लोइयां तैयार हो जाएगी। और ये देखिए 3-4 में एक साथ ही इन्हें गोल कर चुकी हूँ, और वापस से एक लेंगे और इस लोई पर अपन लगाएंगे ड्राई आटा। मोमोज 3-4 डिजाइन से बनते हैं, आप कोई सी भी डिजाइन से बना सकते हो। और ड्राई आटा लगाकर इसे बेल लेंगे, बिल्कुल बारीक लेयर करनी है इसकी, और ऐसे गोल मटोल अपन इसे बेलते जाएंगे। ड्राई आटा क्यों लगाया है, क्योंकि ये चिपके ना, वरना ये बार बार चिपके जाएगी नीचे और फिर टूट जाएगी, इसलिए ड्राई आटा लगाना जरूरी है।
और ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल बारीक इतना कितनी पतली लेयर रखी, इतनी पतली आपको लेयर रखनी है। और यहाँ पे ये देखिए दो और मैं एक्स्ट्रा बेल चुकी हूँ। और यहाँ पे ये अपने पास दो मसाले हैं, दो डिजाइन के मैं आपको मोमोज बनाना दिखा रही हूँ। अब एक में पहले अपन ये मसाला फिल करेंगे, इतना ही फिल करना है कि अपन इसे आराम से बंद कर सके। अभी ये मसाला मैंने फिल कर लिया है, मसाला फिल कर लेने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहे तो उसे निकाल देना है, ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे बंद करना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ऐसे करके अपन इसे बंद करेंगे। और ये देखिए लास्ट वाली चोंच अपन ऐसे आप मोमोज बना सकते हो। एक टाइप तो ये हो गया कि ये इस शेप वाला अपन मोमोज बना चुके हैं, और दूसरा अपन ये मोमोज भरेंगे इस मसाले का, ये इसमें ऐड करेंगे, इसकी पोटली टाइप में अपन डिजाइन बनाएंगे। तो ये देखिए वापस ऐसे साड़ी का पल्लू से ऐसे करके, इसे चपटा वगैरह कुछ नहीं करना, इसे बस ऐसे गोल गोल अपन करते जाएंगे। तो ये दो शेप के हो गए। आप दोनों शेप में से किसी भी शेप से आप ये मोमोज तैयार कर सकते हो। पोटली अपनी बंद होती जा रही है, ऐसे करके अपन को बंद कर लेना है। और ये लीजिए दूसरा मोमोज पोटली वाला तैयार हो गया है। और ऐसे करके अपन सारे मोमोज तैयार कर लेंगे। और एक अपन ये जो अपन इडली वगैरह बनाते हैं वो मैंने साचा लिया है, इस पर थोड़ा सा अपन ऑयल लगाएंगे और ये मोमोज रखेंगे दोनों शेप के, जिस भी शेप के आप बनाना चाहो। और देखिए आप किसी भी शेप में बना सकते हो, मैंने यहाँ पर दो शेप की है, एक तो गोल और एक इस तरीके से। और यहाँ पर ये इस प्लेट में अपन रख लेंगे और एक बटर में अपन पानी ऐड करेंगे और ये प्लेट्स इसमें लगाएंगे मोमोज वाली। ये फर्स्ट प्लेट है, मैंने थोड़ी कम रखी है, उसके बाद ये सेकेंड वाली और ये थर्ड और ये फोर्थ, और एक साथ इन्हें पैक करके ढक्कन लगा देंगे। 5-10 मिनट इसे ऐसे ही पकने देंगे, बार बार ढक्कन को खोल कर चेक नहीं करेंगे वरना भाप निकलती रहेगी, तो उतना ही टाइम लगेगा मोमोज पकने में। और अब अपन इन्हें पकने देंगे, एक साथ 10-15 मोमोज तैयार हो जाते हैं। अपन मोमोज चेक करेंगे और ये देखिए अपने मोमोज पककर तैयार हो चुके हैं। मैं नीचे से गैस बंद कर दूंगी। और ये देखिए दोनों टाइप के अपने मोमोज बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर आप लाल चटनी और हरी चटनी ले सकते हो। दोनों चटनियों का बनाने का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ आप क्लिक करके देख सकते हो। ये देखिए जो अपना मसाला इसमें भरा हुआ है कितना टेस्टी लग रहा है। और एक मोमोज में आपको ये वाला तोड़ कर दिखा रही हूँ, ये भी देखिए ये सब्जी का भरा हुआ है। ऐसे आप बना सकते हो और इन्हें फ्राई भी कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जो मैंने मोमोज बनाए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।